नमस्कार जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपने इस नंबर वन यूट्यूब चैनल ट्रेंड लाइव पर। तो दोस्तों आज हिंदी इंग्लिश वर्ड मीनिंग का प्रैक्टिस करेंगे। तो इस वीडियो पे आप लोग पहली बार हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आपका हो जाएगा पहला फॉर एवर का मतलब हो गया हमेशा के लिए। ठीक है, दूसरा हो गया आपका फॉर अ वाइल का मतलब हो गया आपका कुछ देर के लिए। पहला आपका हो गया फॉर एवर मतलब हमेशा के लिए। ठीक है, दूसरा आपका हो गया फॉर अ वाइल मतलब हो गया कुछ देर के लिए। ठीक है, तीसरा देखते हैं। तीसरा है आपका रिमाइंड का मतलब हो गया ध्यान दिलाना। रिमाइंड का मतलब हो गया आपका ध्यान दिलाना। चौथा देखते हैं, चौथा है आपका रिस्पेक्ट, RESPECT, रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट का मतलब हो गया आदर करना। ठीक है, पांचवा देखते हैं। पांचवा हो गया आपका बिहेवियर, BEHAVIOUR, बिहेवियर मतलब व्यवहार। ठीक है, छठा देखते हैं। छठा आपका हो गया CONFIDENCE, कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया आपका आत्मविश्वास। ठीक है, ये आपका हो गया रिस्पेक्ट। रिस्पेक्ट मतलब RESPECT, रिस्पेक्ट का हो गया रिस्पेक्ट मतलब आदर करना। बिहेवियर का मतलब हो गया आपका व्यवहार। कॉन्फिडेंस का मतलब हो गया आपका आत्मविश्वास। तो ये आपका 6 हो गया, इसको भी मिटाते हैं। इसके बाद दूसरा देखते हैं। आप लोग नोट भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे माइंड में भी रख सकते हैं, ये सब नॉर्मल वर्ड हैं, तो कुछ कुछ को याद भी होंगे। जिनको याद नहीं है कॉपी में लिख सकते हैं या स्क्रीनशॉट लेकर याद कर सकते हैं। सातवां क्वेश्चन आपका हो गया टू इमेजिन, सातवां वर्ड IMAGINE, टू इमेजिन का मतलब हो गया आपका कल्पना करना। ठीक है, कल्पना करना हो गया। आठवां देखते हैं। आठवां आपका हो गया नेसेसरी, NECESARY, नेसेसरी का मतलब हो गया आपका जरूरी
जरूरी, नेसेसरी का मतलब हो गया आपका जरूरी। नौवां सवाल होगा आपका आउटसाइड, आउटसाइड नौवा ये आपका वर्ड मीनिंग हो गया आपका नौवा आउटसाइड। आउटसाइड का हिंदी होता है बाहर, बाहर ठीक है। ये आपका हो गया दसवां, दसवां का आपका हो गया स्पेशल, SPECIAL स्पेशल मतलब या तो खास होता है या आपको होता है विशेष, विशेष कुछ भी कह सकते हैं इसको। अब ग्यारहवां देखते हैं, ग्यारहवां आपका हो गया रीजन, REASON रीजन, रीजन मतलब कारण, कारण। तो देखिए ये आपका हो गया टू इमेजिन मतलब कल्पना करना, ठीक है। टू इमेजिन मतलब कल्पना करना। नेसेसरी NECEESSARY नेसेसरी मतलब जरूरी हो गया आपका। और ये नौवां हो गया आउटसाइड, आउटसाइड मतलब बाहर, बाहर या बाहर जाना कुछ भी कह सकते। स्पेशल, स्पेशल स्पेशल आपका हो गया जैसे खास विशेष बोल सकते हैं। और ये रीजन हो गया आपका REASON रीजन मतलब कारण, पता ही होगा आप लोगों को। जिनको नोट करना है नोट कर लीजिए, जिनको स्क्रीनशॉट लेना है स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब बारहवां प्रश्न देखते हैं, बारहवां वर्ड मीनिंग देखते हैं। बारहवां हो गया आपका समथिंग, SOMETHING समथिंग मतलब, समथिंग का मतलब होता है कुछ कुछ, कुछ कुछ ठीक है, कुछ कुछ। तेरहवां प्रश्न, तेरहवां क्वेश्चन हो गया, सॉरी तेरहवां वर्ड हो गया आपका बिलीव, VELIEVE बिलीव मतलब विश्वास करना, विश्वास करना या इसको भरोसा करना भी बोल सकते हैं, भरोसा करना ठीक है। चौदह हो गया आपका फॉरगिव, फॉरगिव क्षमा करना, क्षमा करना FORGIVE फॉरगिव मतलब क्षमा करना। और आपका लास्ट प्रश्न, लास्ट वर्ड मीनिंग हो गया आपका समटाइम, कभी कभी SOMETIME समटाइम कभी कभी। तो ये आपका हो गया बारहवां समथिंग कुछ कुछ ठीक है। और ये आपका तेरहवां हो गया बिलीव, BLIEVE बिलीव मतलब विश्वास करना या भरोसा करना। और आपका चौदह हो गया फॉरगिव, फॉरगिव मतलब क्षमा करना, FORGIVE फॉरगिव मतलब क्षमा करना ठीक है। और ये पंद्रह हो गया आपका समटाइम मतलब कुछ कुछ, SOMETIME समटाइम मतलब कुछ कुछ ठीक है। तो इस तरीका से आप लोग लिख कर भी याद कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले लें बाद में लिख लीजिएगा उसके बाद याद कर सकते हैं, या जिनको याद है वो छोड़ सकते हैं कोई दिक्कत नहीं, एक बार वो पढ़ लें प्रैक्टिस हो जाएगा, एक बार देख लें। तो
तो दोस्तों वीडियो कैसा लगा दोस्तों, आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा दोस्तों। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों में शेयर करें। तो चलिए दोस्तों अगले वीडियो में मिलते हैं इसी तरह, तब तक के लिए धन्यवाद।